Welcome back, everybody. आज का टॉपिक है इज हाउ टू लुक आफ्टर आपका बच्चा बर्थ के बाद. We've already discussed feeding or diaper change. Diaper change. Or अभी हम बात कर रहे हैं bathing के बारे में और massage के बारे में. And we're joined by Anila Weldon, who is a expert on ये subject. So bathing, क्या steps are there to do bathing? Okay, bathing, नहलाना, ठीक है. बच्चे को आपने क्लीन रखना है, उसको नहलाना है. अब यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट दिस इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है. बिल्कुल छोटा, फर्स्ट डे से मैं बात कर रही हूँ. बहुत छोटा है, माओं को खुद डर लगती है कि पता नहीं स्लिप ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये तो ठीक है. एंड हाउ टू होल्ड द बेबी, हाउ टू एटलीस्ट दिस इज़ वन थिंग दैट आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ. आई सेड एवरीथिंग आई कैन मैनेज, लेकिन उसको पकड़ना कैसे, गर्दन और ये सब का डर लगता है. तो पहली चीज़ ये है कि बच्चे का जो बगैर जब कपड़े उसने नहीं पहने होते वो स्लिपरी होता है, ठीक है. वो इसलिए भी स्लिपरी होता है कि यूजली कुछ लोग नहलाने से पहले मसाज करते हैं, कुछ लोग नहलाने के बाद करते हैं. इट्स अ पर्सनल थिंग, इट्स अप टू यू. व्हेन द बेबी स्लिपरी, उसका हेड भी जो है वो छोटे बच्चों का, आपको पता है, आपने यू हैव टू जस्ट ओके. तो उसके लिए नहलाने के लिए बेस्ट चीज इज दिस. ओके, दिस इज, इसको कहते हैं बेदिंग स्पॉन्ज. बहुत बड़ा स्पॉन्ज. ओके, व्हाट हैपेंस इज दिस, ये बच्चे की शेप का बना हुआ है. तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में सिंक है या सिंक बेसन है, ठीक है, उसमें आपने इसे ऐसे रखना है और बच्चे को ऐसे लिटाना है. अच्छा, अगर ये पता नहीं चल रहा, ये जो फोम है ना, ये बिल्कुल वो है जैसे कपड़े हम जो धोते हैं ना, बर्तन जो धोते हैं ना, उसका जो फोम होता है, सॉफ्ट, उस तरह का फोम है. हाँ, yeah. हाँ. ठीक है, उससे होगा ये कि बच्चा स्लिप नहीं होगा और बेसन में आराम से बैठ जाएगा. यहाँ पे आप इमेजिन करें टैप है, ठीक है. आपने इसकी बॉडी पे पानी डाला है, आपने इसके सर पे भी किस तरह डाला है मैं अभी बताती हूँ. बट पहले ये कि दिस इज़ हाउ टू होल्ड द बेबी, यू पुट वन हैंड हियर, और इस पे आप ना भी हाथ रखें तो वो खुद ब खुद बच्चे को सपोर्ट कर रहा है. उसके बाद When the baby is a, चले मैं उसका बाद में बताती हूँ. Then what you do is सर पे किस तरह पानी डालना है. अच्छा, बच्चों के लिए एक चीज़ जो अक्सर माओं को नहीं पता होती कि उनके कान में पानी नहीं जाना चाहिए. बिकॉज कान में पानी जाने से होता यह है कि उनके कान में पानी रह जाता है और फिर वो पानी इन्फेक्शन बन जाता है. सो द बेस्ट वे टू, नाउ दिस इज समथिंग मोस्ट पीपल वॉन्ट रियली इन्जॉय, बट ये जो कान आपने इसको अपने हाथों से पकड़ के, यूं बच्चे का सर, सर वो तो रियल बेबी होगा, वो कुछ नहीं इश्यूज है, ये पकड़ना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. और पानी फिर ऐसे डालना है, ठीक है. उसका ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, वो तो रियल बेबी में नहीं, देखो ना, बिकॉज ओके ओके. एंड दिस इज द वे यू हैव टू डू इट. आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये शायद मैं जुल्म कर रही हूँ, बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. और रियल बेबी के साथ आप ट्राई करें, आपको पता लगेगा इवन द बेबी इज कंफर्टेबल. अच्छा, ठीक है. अब जब आप ऐसे पानी डालेंगे तो सारा पानी आंखों में जाने की बजाय नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और कान में जाने की, कान आपने अपने हाथों से रोक लिए, ठीक है. दूसरी एक चीज, शैम्पू हैट. यस, ये एक शैम्पू हैट है, ये अवेलेबल है मार्केट में, और ये इसीलिए है कि पानी या साबुन या सोप या शैम्पू बच्चे की आंख में ना जाए, ठीक है. अगेन आपने बच्चे को ऐसे पकड़ना है अपने हाथ पे, ऐसे करके, सी ओके, यहाँ यू पकड़ो, द बेबी इज रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड है. उस पर आप पानी डालें एंड ये शैम्पू हैट से होगा कि आपको कान वान नहीं पकड़ना, कान को पकड़ना नहीं पड़ेगा. यस, और आंखों में भी नहीं जाना है. अच्छा, वन थिंग आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ बेथिंग बेबीज इज पानी, क्योंकि गरम गरम पानी या ठंडे ठंडे पानी. How can you make sure? I mean, obviously, you, we're tougher than babies. Yeah. Okay. So what we think is acceptable might be too hot. हम ज़्यादा गर्म शायद बर्दाश्त कर सकते हैं. So two areas like you already know. यहाँ से आप check करेंगे गर्म कितना है, क्योंकि जितना आपको यहाँ गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा, उतना ही गर्म या ठंडा बेबी को पूरी बॉडी पे लगना है. आप यहाँ नहीं टेस्ट कर सकते, हाथ में नहीं देख सकते. ये जो स्किन है आपकी, हाँ, कोनी, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव है. अच्छा, व्हेयरएज हमारा हाथ तो अब यूज्ड टू हो गया है, लेकिन ये जो एरिया है ये इतना ही आपको बताएगा जितना ये बेबी को गर्म और लुक वार्म होना चाहिए. या ओके, वो डिपेंड करता है व्हिच वेदर यू आर इन. इसकी सफाई का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि इस पे गीला हो जाएगा? हाँ, इसको सुखाना पड़ेगा आपको, धूप लगानी है, दैट्स इट. अदरवाइज सोप एंड वाटर तो इस पे लगता ही रहता है. Great. अच्छा, ड्यूरिंग बेदिंग द बेबी माइट वॉन्ट टू यू नो
पास आउट सम स्टूल और समथिंग, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि अगर आपने नहला रहे हैं और बच्चे को मोशन या कुछ पास करना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे एंड दिस इज़ वेरी क्लीनेबल ऑल्सो एंड यूजली बच्चे दे डू इट. ओके, टू मच इंफॉर्मेशन. यस. ओके, मसाज उसमें ये होता है कि पता नहीं होता किस तरह करते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, डर लगता है कि कोई हाथ ज़्यादा ना दबा दे. क्या बेस्ट तरीका है और क्या लगाना चाहिए? आपके पास यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं. ओके, मसाज पे आने से पहले वन थिंग, बेबी बेथिंग रिलेटेड, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर आप क्या करोगे? दिस वोंट फिट इन, राइट? देन यू नीड समथिंग लाइक दिस. फिर आपको इस तरह की एक चीज़ की ज़रूरत है, इसे बेदिंग चेयर कहते हैं. आप देख रहे हैं इसके अंदर नेट्स लगी हुई है, अगर पानी या मैं कुछ डालूंगी वो नीचे गिरेगा. सो जहाँ पे भी आप नहाते हैं या जो भी आपका बाथरूम का सेटअप है उसमें आप, व्हाट यू डू इज़ यू पुट द बेबी इन देयर एंड यू पुट वाटर, जैसे बिठा के आराम से नहला के, और पानी सारा बाहर गिरना है. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग टू बाय, बिकॉज ये बहुत काम आने वाली चीज़ है. ओके, और ये जब आता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बैठने सीख जाता है, इसमें भी लेवल्स हैं कि पैर उसे कहाँ रखना है, जो कि अभी मुझसे हो नहीं रहे, बट डिपेंड करता है हर ब्रांड में. जो लेवल नीचे जाएगा तो लंबा पैर हो सकता है. ठीक है, ग्रेट. ओके, नाउ वी कम टू योर क्वेश्चन. मसाजिंग के लिए अगेन वील गो फॉर दिस मैट, बेथिंग मैट. या क्या पर्पस इज द फॉर मसाजिंग? व्हाई डू वी मसाज बेबीज? वेरी गुड क्वेश्चन जॉर्ज. मसाज इसलिए ज़रूरी है कि एक तो दो, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स. ठीक है, एक तो जो बड़ी अम्मी और देहात के और सारे जो हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मसाज से बच्चा हेल्दी होता है, एंड दैट्स ट्रू. ये सही बात है. अच्छा. या हेल्दी भी होता है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन, प्लस आप देखें जब बच्चा पेट में होता है माँ के तो वो इस पोजिशन में होता है फॉर 9 months. द बेबी इज totally tied and curled and in a like a ball sort of a shape. Okay, totally, isse bhi zyada. So when the baby is born you have to tell him or guide him that okay, you have to relax. Agar aap kahin pe 9 mahine tak is tarah baithe honge to phir aap ye aur ye ek, okay, so